बंटवारी के मामले में थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ तो मैंने तय कर दिया कि नियुक्तियां नहीं होगी। संदेह जब तक समाप्त नहीं करेंगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा, कोई चिंता मत कर। पटवारी भर्ती परीक्षा में थोड़ा सा संदेह हुआ तो मैंने नियुक्तियों पर रोक लगा दी। जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामा शिवराज का अवतार देखने को मिला, उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने को लेकर ये बयान दिया है। विस्तार से आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताएंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में राजनीति गरमा गई है। एक तरफ कांग्रेस लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार को इस भर्ती परीक्षा को लेकर घेर रही है, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ये विश्वास दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में उन्हें थोड़ा सा संदेह हुआ तो उन्होंने भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है उस पर रोक लगा दी, जो नियुक्ति होने वाली है उस पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। पटवारी के मामले में थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ तो मैंने तय कर दिया कि नियुक्तियां नहीं होगी। संदेह जब तक समाप्त नहीं करेंगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा, कोई चिंता मत कर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को घोषित हुआ था। इस रिजल्ट के घोषित होने के बाद लगातार इस भर्ती परीक्षा में धांधलेबाजी के आरोप लगे। आरोप लगा कि ग्वालियर के एक ही सेंटर में एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं वो टॉपर्स की लिस्ट में आ गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतरी और लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां तक कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। वहीं अगर बात करें अभ्यर्थियों की तो अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है, अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है वो सड़कों पर दिखाई दी। लाखों की संख्या में छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो इंदौर में जमा हुए, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी भर्ती परीक्षा में जो नियुक्ति हो रही है उस पर रोक लगा दी है। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं, साथ ही भरोसा उन्होंने दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच होगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस भी लगातार इस पूरी भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के मामले पर सरकार को घेर रही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस मामले में जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।